तो जहाँ तक आज की बात है, तो वो फिलासफर किंग की बात करनी है जो प्लेटो ने आइडिया दिया है। एज यू पीपल नो, प्लेटो वाजंट अ रियलिस्ट बट ही वाज एन आइडियलिस्ट। और प्लेटो जो है ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स, और खुद जो प्लेटो है वो टीचर बन गया एरिस्टोटल का। लेटर ऑन एरिस्टोटल बन गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो क्यों बना? वाई ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम टिल नाउ? उसके क्या वजूहत है, रीजन्स क्या है, वो हम कल एरिस्टोटल के लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ जो फिलासफर किंग है प्लेटो का, जब आपने लास्ट टाइम प्लेटो की आइडियल स्टेट सुनी, तो आइडियल स्टेट में जो पहला फीचर मैंने आप लोगों को बताया वो क्या था? दैट वाज वेल प्लान एजुकेशनल सिस्टम। वेल प्लान एजुकेशनल सिस्टम में जो भी फीचर्स थे वो अलग बात है, लेकिन जो मकसद है प्लेटो की आइडियल स्टेट में, जो फिलासफर किंग हो वो कैसे बन जाए फिलासफर किंग, और जो एजुकेशन का मकसद रहता है, एजुकेशन के प्लेटो ने बहुत सारे स्टेजेस दिए थे। वो जो स्टेजेस दिए थे उनमें से जो स्टेजेस, सारे स्टेजेस क्वालिफाई करेगा, वो एट द एंड 35 की एज में फिलासफर किंग बन जाता है। तो वो फिलासफर किंग बन जाता है, और वो 35 की एज में जब वो तमाम क्वालिफिकेशंस, तमाम एजुकेशनल स्टेजेस पास करके 35 की एज पे पहुंच जाता है, तो नेक्स्ट 15 ईयर्स, दैट मीन्स फ्रॉम 35 टिल 50, वो फिलासफर किंग रहता है। तो जहाँ तक प्लेटो की बात है, सबसे पहली बात फिलासफर किंग में यही आएगी कि प्लेटोज फिलासफर किंग इन हिज आइडियल स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाई प्लेटो। तो फिलासफर किंग बन जाता है आइडियल स्टेट में अकॉर्डिंग टू प्लेटो बिकॉज ऑफ एजुकेशन। बिकॉज ऑफ एजुकेशन क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशन में क्या किया है, एजुकेशन में उसने बहुत सारे स्टेजेस रखे हैं, चाहे वो मिलिट्री ट्रेनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, या डायलेक्टिक्स हो, या बाकी स्टेजेस हो, साइंसेस हो, जो भी था उसमें बहुत सारे स्टेजेस थे। तो प्लेटो ने जब अपनी एजुकेशन दी, उसने बैकग्राउंड में देखा एंशिएंट ग्रीस में स्पार्टन और जो ग्रीक एथेनियन एजुकेशन सिस्टम था वो बड़ा करप्ट था, वहाँ करप्शन था, तो उसको उन्होंने चेंज किया अपने ख्यालों में। वेल प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम दिया जिसमें उसने कंपलसरी एजुकेशन का नाम दिया है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी और ये गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, कोई प्राइवेट नहीं होगी। इसके अलावा वहाँ बैन भी होगी कुछ लिटरेचर पे, लेकिन जो मेन एम रहता है प्लेटो की एजुकेशन का वो रहता है टू प्रोड्यूस द फिलासफर किंग। सो पहला पॉइंट जो फिलासफर किंग में आता है वो ये आता है, फिलासफर किंग इन प्लेटोज आइडियल स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ हिज एजुकेशन सिस्टम। तो प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम का जो रिजल्ट रहता है वो रहता है फिलासफर किंग। क्यों? क्योंकि एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, जब वो क्वालिफिकेशन स्टेज, एजुकेशन के स्टेजेस क्वालिफाई करते हैं, तो 35 की एज में वो लोग जो कामयाब होते हैं, 35 से लेके 50 ईयर्स तक वो बन जाते हैं फिलासफर किंग, मतलब 15 साल तक वो फिलासफर किंग उसकी आइडियल स्टेट में रहते हैं। तो पहला जो पॉइंट आ जाता है, प्लेटोज फिलासफर किंग इज द रिजल्ट ऑफ हिज एजुकेशन सिस्टम। तो प्लेटोज फिलासफर किंग इज द रिजल्ट ऑफ हिज एजुकेशन सिस्टम, ये पहला पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस टू विजडम, प्लेटो ने इम्पॉर्टेंस दी है विजडम को, या जस्टिस को, या मोरालिटी को, रीजन को, इंटेलेक्चुअलिटी को। जो फिलासफर किंग होगा उसने सारी एजुकेशन हासिल की होगी हर एक ग्राउंड की, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो या मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हो, लेकिन ऑलराउंड एजुकेशन जब वो हासिल करेगा उसके बाद ही उसके अंदर मोरालिटी आएगी, उसके अंदर सोचने, वाइड डीप थिंकिंग की बात आएगी, दैट मीन्स उसके सोच में एक्सपोजर आ जाएगा, उसकी सोच जो है वो ब्रॉड हो जाएगी, वो ब्रॉड हो जाएगी, तब जाके ही कैन गिव हिज डिसीजन, ही कैन गिव हिज डिसीजन ऑन द बेस ऑफ मोरालिटी रादर देन प्रेजुडाइस, रादर देन प्रेजुडाइस, रादर देन करप्शन, रादर देन अप्रोचेस। तो जो दूसरा पॉइंट है फिलासफर किंग का, उसमें आ जाता है जो प्लेटो है उसने इम्पॉर्टेंस दी है वहाँ पर, इम्पॉर्टेंस ऑफ विजडम और रीजन, सोचने की कुव्वत, मोरालिटी उसके अंदर आ जाती है। तो पहला पॉइंट आ जाता है फिलासफर किंग का, ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो, और दूसरा आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ विजडम और रीजन। और जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रूल ऑफ इलाइट, रूल ऑफ इलाइट, रूल ऑफ इलाइट। क्यों वो कहता है? क्योंकि आपने शायद सुना होगा जब आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, इलाइट्स
एलाइट्स में विल्फ्रेड पेरेटो आता है, मोस्का आता है। तो ये एलीट्स या एलाइट्स ही कौन होते हैं? वेरी फ्यू। एलाइट्स डिराइव हुआ है किसी वर्ड से, इलिशियर से, और उसका जो मेन मकसद रहता है, मेन एम रहता है, मीनिंग रहता है, वो रहता है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम होते हैं ये लोग। और ये कौन लोग होते हैं? या तो वो इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, या वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और ये हमेशा कम तादाद में होते हैं। और इनको बोला है पैरेटो ने फॉक्सेस एंड लाइन्स, और इनको मोस्का ने क्या बोला है? ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी। तो इन एलीट्स को बोला है मोस्का ने ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी, ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी इज रूलिंग ओवर अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, हु सेड दिस? एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी, बहुत कम लोग यूनाइटेड हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो माइनॉरिटी हो गए। ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी रूल्स ओवर दी अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो पब्लिक होती है, आवाम होती है, उन पे रूल किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी रूल्स ओवर दी अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी, ये मोस्का ने कहा है। किनके बारे में कहा है? ये उन्होंने एलीट्स के बारे में कहा है। तो यहाँ पर जो प्लेटो है वो कहता है, जो फिलासफर किंग है, जो रूल है उसका आइडियल स्टेटमेंट, दैट इज रूल बाय एन एलीट, रूल बाय एलाइट्स और रूल बाय एलीट। व्हाई? बिकॉज उसकी जो आइडियल स्टेट रहती है, जो गवर्नमेंट वहाँ रन की जाती है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट अफेयर्स रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, जो निज़ाम चलाया जाता है, दैट इज ऑलवेज बींग रन बाय द फिलासफर किंग्स। एंड दीज फिलासफर किंग्स, एज फार एज ये जो फिलासफर किंग्स है प्लेटो की आइडियल स्टेट में, जो उसकी एजुकेशन की वजह से बन जाते हैं फिलासफर किंग्स, वो एलिट्स बन जाते हैं। क्यों वो एलिट्स बन जाते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन हासिल करते हैं, तो हाईली क्वालिफाइड बन जाते हैं। या तो वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, या वो इंटेलेक्चुअल क्लास है। दैट इज़ वाई ही यूज द टर्म एलीट्स, रूल बाई एलीट्स एज फार एज हिज फिलासफर किंग इज कंसर्न। तो रूल बाई एलीट्स वहाँ आ जाता है। वाई? क्योंकि वो जो होते हैं ऑनली द इंटेलेक्चुअल्स और एन एरिस्टोक्रेट, जो जिनको ये काबिलियत होती है इंटेलेक्चुअल्स बनने की, या एरिस्टोक्रेट्स। ये एरिस्टोक्रेट्स कैसे बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कैसे बन जाते हैं? क्योंकि इनका असर बहुत ज़्यादा रहता है, असर रसूख चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि इन्होंने, ये वो लोग होते हैं जो फिलासफर किंग बन गए, जिन्होंने प्लेटो की स्टेट में एजुकेशन के तमाम स्टेजेस क्वालिफाई किए हैं। तो जब ये एजुकेशन के तमाम स्टेजेस क्वालिफाई कर जाते हैं, तब जाके ये इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं। दैट इज़ वाई दे वर वेरी फ्यू इन नंबर, एंड दैट इज़ वाई प्लेटो यूज द टर्म हियर, रूल बाई दी एलीट्स, रूल बाई दी एलीट्स। तो पहला पॉइंट आ जाता है, फिलासफर किंग इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम गिवन बाय प्लेटो। नंबर टू, इंपॉर्टेंस टू रीजन एंड विजडम। एंड नंबर थ्री इज रूल बाय एलीट, ELITE। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज एब्सोल्यूट पावर्स। एब्सोल्यूट पावर्स जो होते हैं, जैसे आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपने सुना होगा एब्सोल्यूट पावर्स एंड लिमिटेड पावर्स। जो हॉब्स की स्टेट थी, थॉमस हॉब्स की जो स्टेट थी, वहाँ जो सोवरियन था, जो किंग था, उसको एब्सोल्यूट पावर्स थे। और जो लॉ की स्टेट थी, लॉ की स्टेट में जो सोवरियन था, उसको एब्सोल्यूट पावर्स नहीं थे, बल्कि उसको लिमिटेड पावर्स थे। लेकिन यहाँ पर जो बात है प्लेटो फिलासफर किंग की, जो फिलासफर किंग बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ हिज एजुकेशन सिस्टम बन जाता है, वो जो फिलासफर किंग होता है प्लेटो की आइडियल स्टेट में, उसको 100% पावर्स रह जाते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ हैविंग एब्सोल्यूट पावर्स। एंड दैट इज़ वाई जब हम इसको बाद में क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम वहाँ पर बोलते हैं इट इज़ टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि ये जो फिलासफर किंग रहता है, हम इसको क्यों कहते हैं इट ही इज़ हैविंग एब्सोल्यूट, ही और शी इज़ हैविंग एब्सोल्यूट पावर्स? क्योंकि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक ओपिनियन, नीदर ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक ओपिनियन, नॉर ही वॉज बाउंड बाई एनी कस्टम और लॉ। दैट इज वाई प्लेटो का जो फिलासफर किंग है, इसमें चौथा पॉइंट ये आ जाता है, एब्सोल्यूट पावर्स, एब्सोल्यूट पावर्स आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है, जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी कोई कदर नहीं है, ही इज नॉट बाउंड बाई एनी लॉ, बाई एनी कस्टम, नीदर ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक ओपिनियन, नीदर ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक ओपिनियन। दैट इज वाई ही वॉज एंजॉयड, ही वॉज एंजॉइंग रादर, ही वॉज एंजॉइंग एब्सोल्यूट पावर्स। दैट इज वाई वी कैन राइट इट इन फिलासफर किंग ऑफ प्लेटो, ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग एब्सोल्यूट पावर्स। तो चार पॉइंट्स बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब लास्ट टाइम मैंने आपको आइडियल स्टेट पढ़ा है, तो मैंने आपको वहाँ बता दिया कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली।
दैट इज द पॉइंट हियर ऑल्सो, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो क्यों चाहता था कि ये कम्युनिज्म रहे, इसको कोई फैमिली या इसको कोई प्रॉपर्टी ना रहे? वो नहीं चाहता था कि हम फिलासफर किंग्स को अलाउ करें कि वो शादियां करें, वो प्रॉपर्टी रखें। मे बी इन्होंने कहीं पर कहा होगा टेम्परेरी मैरिजेस, लेकिन मोस्टली ही वॉज इन द फेवर ऑफ दिस। फिलासफर किंग्स शुड नॉट मैरी, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो क्यों चाहता था ऐसे? बिकॉज उसने यही सोचा, जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी है, इट विल हेल्प द फिलासफर किंग्स टू सर्व द स्टेट इन अ मच बेटर वे, मच इफिशियंट वे, मच सिंसियर वे। वो चाहता था ये जो प्रॉपर्टी और फैमिली है, ये बहुत ज़्यादा टाइम इनका वेस्ट करेगी अगर फिलासफर किंग को फैमिली की फिक्र रहेगी, या अगर फिलासफर किंग को अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र रहेगी, ज़मीन ज़रात की फिक्र रहेगी, मकान जो भी चीज़ें हैं, या फैमिली है बैकग्राउंड में उनकी फिक्र इसको खाएगी फिलासफर किंग को। लिहाजा उन्होंने चाहा कि उसकी आइडियल स्टेट में न इनके फिलासफर किंग के पास कोई फैमिली रहे और न ही इनके पास कोई प्रॉपर्टी रहे। दैट्स वाई ही यूज इट इन दी सब हेडिंग ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। फैमिली में बोथ वाइव्स एज वेल एज चिल्ड्रन आ जाता है एंड प्रॉपर्टी। तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी एक और पॉइंट आ जाता है जो प्लेटो का फिलासफर किंग था। तो नंबर वन इज प्लेटोज फिलासफर किंग वॉज द प्रोडक्ट ऑफ हिस एजुकेशनल सिस्टम। नंबर टू ही गेव इंपॉर्टेंस टू विजडम एंड रीजन। नंबर थ्री एब्सोल्यूट पावर्स वर एंजॉयड बाय द फिलासफर किंग। नंबर फोर इट वॉज अ रूल बाई एलीट, ELIT। एंड नंबर फाइव देर वॉज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द फिलासफर किंग्स। और जो आखिरी पॉइंट आ जाता है, दैट इज अब ये फिलासफर किंग अगर है, वट कैन बी हिज ड्यूटीज। क्रिटिसिज्म बाद में देखेंगे, तो ड्यूटीज़ क्या हो सकती है फिलासफर किंग की? जो सबसे पहली ड्यूटी होगी फिलासफर किंग की, वो यही होगी हाउ टू मैनेज द स्टेट अफेयर्स, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू मैनेज द स्टेट अफेयर्स एंड हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया फिक्स पॉपुलेशन की गई है स्टेट की, तो जो प्लेटो ने पॉपुलेशन स्टेट की फिक्स की है, दैट वाज 5040 पर्सन, 5040। दैट इज़ वाई उन्होंने यहाँ पर जो पहली ड्यूटी बताई है, वो इसने ये बता दी है, जो फिलासफर किंग्स होंगे वो स्टेट को एक्सटेंड करें, लेकिन उस हद तक एक्सटेंड करें कि यूनिटी ब्रेक ना हो जाए, स्टेबिलिटी ब्रेक ना हो जाए। दैट इज़ वाई ही वॉज इन फेवर ऑफ दिस, स्टेट शुड नीदर बी टू लॉन्ग नॉर टू स्मॉल। ना स्टेट बड़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, नीदर बिगर एंड नॉर स्मॉलर। ये पहला पॉइंट है जिसमें फिलासफर किंग को ये ड्यूटी रहेगी टू मैनेज द स्टेट अफेयर्स, टू मेंटेन द यूनिटी एंड हार्मोनी एज वेल एज स्टेबिलिटी इन द स्टेट। लिहाजा उसकी जो स्टेट है उसमें यूनिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ना वो उतनी बड़ी होनी चाहिए और ना वो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, वो दरमियानी सतह की होनी चाहिए, सो दैट वहाँ स्टेबिलिटी और यूनिटी जो है वो मेंटेन रहे। ये पहली ड्यूटी रहती है फिलासफर किंग की। और जो दूसरी ड्यूटी रहती है फिलासफर किंग की, वो यही रहती है जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है, उसमें जो करप्शन है वो ना फैले, अमीर ज़्यादा अमीर ना बने और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब ना बने, कन्फ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी वहाँ नमूदार ना हो, वहाँ कभी कभार कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वहाँ हारमोनी और यूनिटी रहनी चाहिए। स्टेट के जो रूलर्स होंगे वो इस चीज़ की हौसला अफजाई ना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐश परस्त और आराम तलब बन जाए और अमीर होते जाए, और वो इस कदर अमीर हो जाए और जय रियाया होगी जो आवाम होगी वो गरीब हो जाए। तो प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी वहाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ जो होना चाहिए वहाँ बैलेंस होना चाहिए। जब वहाँ बैलेंस होगा तभी जाके वहाँ क्लास कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो लोग न ज़्यादा वहाँ प्रॉस्पर होनी चाहिए और न ही ज़्यादा वो पॉवर्टी फेस करनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर वो हारमोनी रहनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए बिटवीन रिच एंड पॉवर, बिटवीन रूलर्स एंड द पीपल टू बी रूल, उनके बीच एक बैलेंस रहना चाहिए, सो दैट टू मेंटेन द हारमोनी ऑफ द स्टेट। ये दूसरी ड्यूटी रहती है प्लेटो के फिलासफर किंग की। और जहाँ तक तीसरी ड्यूटी है, जब आप आइडियल स्टेट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको शायद वहाँ बताया था नॉन इंटरफेरेंस और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर जो आर्ट है वो काम करेगा, जो जिस स्किल में महारत रखता है, जिस फील्ड में एरिया में महारत रखता है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, वो उस फील्ड में जाए।
पीजेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और ट्रेडर्स का काम करेंगे, जो वेरियर्स होंगे वो डिफेंड करेंगे, और जो प्लास्पर किंग्स होंगे वो स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे। तो ये तीनों अपने अपने एरिया में काम करेंगे, दैट इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। लेकिन प्लेटो के प्लास्पर किंग की ये ड्यूटी रहेगी कि कोई भी तीन में से कोई भी क्लास एक दूसरे के क्लास में इंटरफेयर ना करें। दैट मीन्स प्लेटो के फिलासफर किंग की जो तीसरी ड्यूटी रहती है वो ये रहती है, टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, सो दैट टू मेंटेन आल्सो द डिवीजन ऑफ लेबर अमंगेस्ट थ्री क्लासेस, टू मेंटेन डिवीजन ऑफ लेबर अमंगेस्ट थ्री क्लासेस। कभी कभार ये आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ एग्जिस्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि फिलासफर किंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे थे, वेरियर्स या आर्मी जो थी वो डिफेंड कर रही थी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी की और लैंड की, और जो पीजेंट्स थे वो इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल या ट्रेडर्स एक्टिविटीज़ में मशगूल हुआ करते थे। तो ये तीन क्लासेस होते थे, और फिलासफर किंग की ये ड्यूटी रहती है टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अमंगेस्ट द थ्री क्लासेस। और जो आखिरी ड्यूटी रहती है प्लेटो की वो क्या रहती है? उसने फिलासफर किंग्स को इस बारे में कोई पावर नहीं दिया टू ब्रिंग एनी चेंज इन द एजुकेशन इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द स्टेट। तो एजुकेशनल सिस्टम जो होगा, जिसकी वजह से फिलासफर किंग बन जाता है, उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उसको रद्द बदल, उसको तब्दील करने में, उसमें कोई भी तब्दीली, उसमें कोई भी चेंज करने में फिलासफर किंग्स के पास कोई अथॉरिटी और कोई पावर नहीं होगा। तो फिलासफर किंग की जो आखिरी ड्यूटी ये होगी, दे कांट इंटरफेयर इन द एरिया, दे कांट मेक एनी चेंज इन द एरिया ऑफ प्लेटोज एजुकेशनल सिस्टम। तो ये चार ड्यूटीज रहती है खासकर प्लेटो की फिलासफर किंग की। पहले, स्टेट न ज़्यादा बड़ी होनी चाहे न ज़्यादा छोटी होनी चाहे, ताकि वहाँ यूनिटी ब्रेक हो, तो वो बैलेंस होनी चाहे, 5,040 पर्सन होने चाहिए ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। दूसरा, अमीर जो स्टेट होगी उसमें जो रूल करने वाले लोग होंगे, फिलासफर किंग या आर्मी जो होगी, वो ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं होनी चाहिए, और जो आवाम हो वो ज़्यादा पॉवर्टी फेस करें, लिहाजा न वो ज़्यादा पुअर बने न ये लोग ज़्यादा अमीर बने, बल्कि दोनों के बीच एक तवाजुन बैलेंस बना रहे, सो दैट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। और जो तीसरी ड्यूटी रहती है वो ये रहती है, फिलासफर किंग विल बी हैविंग द ड्यूटी टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द थ्री क्लासेस। कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहे तो नॉन इंटरफेरेंस फिलासफर किंग को मेंटेन करना होगा, ये उसकी तीसरी ड्यूटी रहती है। लेकिन एज फार एज टू चेंज टू मेक एनी चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम सेट अप बाय द प्लेटो इन हिज आइडियल स्टेट, फिलासफर किंग्स विल नॉट बी हैविंग एनी पावर। दैट मीन्स ही डिड नॉट अलाउड फिलासफर किंग्स टू मेक एनी चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम इन द एजुकेशनल सिस्टम। तो ये चार ड्यूटीज रहती है प्लेटो के फिलासफर किंग्स की। इन चार ड्यूटीज़ के बाद अगर आप देखेंगे, हमने देखा एब्सोल्यूट पावर्स होंगे, तो रूल ऑफ एलिट्स होता है वहाँ पर, या जो फिलासफर किंग्स, पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, फिलासफर किंग्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ प्लेटोज एजुकेशनल सिस्टम। अगर हम अब इसका क्रिटिसाइज करेंगे तो पहला पॉइंट ये बन जाता है, दैट मीन्स जो प्लेटो की एजुकेशन थी, दैट वॉज टू प्रोड्यूस द फिलासफर किंग्स, दैट वॉज टू प्रोड्यूस द फिलासफर किंग्स। तो एजुकेशन का मकसद यहाँ पर कुछ और नहीं था, बल्कि सिर्फ फिलासफर किंग्स था। लास्ट टाइम हमने जब आइडियल स्टेट का क्रिटिसाइज किया, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिसाइज हुआ। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिसाइज इसलिए हुआ क्योंकि उसकी एजुकेशन का मकसद ज़्यादा रहा फिलासफर किंग्स को बनाने में, तो पीजेंट्स के लिए वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी एजुकेशन में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन की वजह से उसने फिलासफर किंग्स बनाए, एजुकेशन में उसने उनको साइंस, मिलिट्री ट्रेनिंग, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक सब कुछ सिखाया, लेकिन फिलासफर किंग्स को ये समझ नहीं आएगी जो रियल प्रॉब्लम्स होती है एक स्टेट में लोगों को, चाहे वो बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, या और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, वो रियल प्रॉब्लम्स जो एक स्टेट में होती है, जो फिलासफर किंग्स होते हैं उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। वाई? बिकॉज वो एकेडमिशियंस है, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे वर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एजुकेशन, दैट्स वाई दे वर द एकेडमिशियंस नॉट द पॉलिटिशियंस, सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम फेस्ड बाई द पीपल इन द स्टेट। ये पहला क्रिटिसाइज बन जाता है, वो रियल पोलिटिशियंस नहीं बन जाते हैं बल्कि वो एकेडमिशियंस बन जाते हैं। दूसरा जो है, फिलासफर किंग्स जो है, फिलासफर, वैसे प्लेटो के सारे आइडियाज फेक थे या आइडियल स्टेट इमेजिनेशन थी, कैलिपोलिस थी, तो उसका जो फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। वाई वाई दैट इज नॉट प्रैक्टिकल? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है टू फाइंड अ पर्सन हैविंग नॉलेज, ऑलराउंड नॉलेज, मतलब फिलासफी, मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज, म्यूजिक, डायलेक्टिक्स,
एटसेट्रा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक बंदे में हो, उसको आप फिलासफर किंग बनाए, यू कॉन्ट फाइंड दैट वेरी पर्सन। सो इट इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकेबल। और ये इसका दूसरा क्रिटिसाइज बन जाता है। तीसरा इसका बन जाता है, जब हमने एब्सोल्यूट पावर्स की बात करी तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब उसने एब्सोल्यूटिज्म की बात की है, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट पावर्स और जो उसका रूल रहेगा एलिट्स, तो वहाँ पर ये टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी बन जाता है। दैट मीन्स हिज फिलासफर किंग इज़ हैविंग द साइंस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म वो बनाता है जब फिलासफर किंग का रूल रह जाता है, तो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाती है। और आल्सो प्लेटो नेवर फिक्स द नंबर ऑफ फिलासफर किंग्स। फिलासफर किंग्स एक होना चाहिए या दो से ज़्यादा, कितने होने चाहिए, वन और फ्यू, ये प्लेटो ने कभी फिक्स नहीं किया। और रही बात कम्युनिज्म की, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, वो तो डेफिनेटली टोटली अगेंस्ट सोशल इंस्टिंक्ट्स है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, अगर उसकी जो कम्युनिज्म है ये उनको कभी ना कभी कभी कभार उनको ये करप्ट भी कर सकती है। तो इसके जो क्रिटिसाइज होते हैं, क्रिटिसाइज में खासकर आपको दो तीन याद रखने होते हैं, तो मैंने आपको आई थिंक मोर देन टू और थ्री मैंने आपको बता दिए। तो उसका फिलासफर किंग टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, तो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाती है, इम्प्रैक्टिकेबल है। क्यों? क्योंकि सारे ए टू जेड सब्जेक्ट्स की उसको नॉलेज नहीं होगी। ऐसा बंदा आजकल के ज़माने में फाउंड करना या तब के ज़माने में मुश्किल था, क्योंकि उसके जो आइडियाज़ थे वो ओनली एब्स्ट्रैक्शंस थी। और तीसरा पॉइंट, उसकी जो एजुकेशन सिस्टम की वजह से फिलासफर किंग बन जाता है, तो वो एक एकेडमिशियन बन जाता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता है। सो ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल इन द स्टेट। इसके अलावा उस जो फिलासफर किंग है, उसने जो एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं, दैट इज टोटली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, दैट इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रीफली अ डिस्कशन अबाउट फिलासफर किंग। उसके बाद जो आ जाता है एरिस्टोटल, तो कल से हम एरिस्टोटल स्टार्ट करेंगे। फिर रही बात प्लेटो के बारे में, इम्पॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स की, वो भी मैं कल बता दूंगा, या मे बी हम जब एरिस्टोटल स्टडी करेंगे तो एरिस्टोटल के ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड, जब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसी दौरान आई कैन आई विल नॉट आई कैन आई विल टेक ऑनलाइन क्लास टेस्ट अबाउट प्लेटो।